मैं आप सभी महानुभावों को फिर बताना चाहता हूं, दुनिया के सारे तथ्यों से परे हैं बन्ना जी के अजितनाथ जी भगवान, जिनकी कलश की स्थापनाओं का महोत्सव पूर्णिमा के दिन होता है। दुनिया भर से दूर से लोग अपनी भावनाओं का कलश लेकर के यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं मंत्र उच्चार के साथ शुद्ध रजत के स्वर्ण के कलश इत्यादियों की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। शावक आते हैं, रखते हैं। यहाँ का अपने आप में एक बहुत अद्भुत अत्सय प्रसिद्ध है। उस प्रसिद्ध अत्सय की विश्व विख्याति है। अगर आप अभी तक अपने कलशों को रखने में चूक गए हैं, विचार बना रहे हैं या फिर नहीं आ पाए हैं, तो अगले कलश की स्थापना हम 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन पूज्य गुरुदेव का, जो लौकिक जीवन का जन्मोत्सव दिवस भी माना जाता है, उसी दिन गणी आनका ज्ञानमती माता जी का भी जन्मोत्सव है, उसी दिन मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज और पूज्य सागर जी महाराज श्री का भी जन्मोत्सव इस षष्ठी को मनाने का सौभाग्य मिलता है। बंधुओं, ऐसे चार चार बड़े महापुरुषों के जन्मोत्सव पर, शरद पूर्णिमा के इस पावन दिवस पर, अक्षय क्षेत्र बन्ना जी पर हम पुनः अक्षयों से भरे हुए उन कलशों की स्थापना करने के लिए जा रहे हैं। ये मेरी उपस्थिति में हो सकता है अंतिम कलश की स्थापना हो, क्योंकि उसके बाद दीपावली आएगी और निष्ठापन आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी बन्ना जी अक्षय क्षेत्र पर निरंतर हर पूर्णिमा में कलश रखे जाते रहे होंगे, रखे जाएंगे। इस बात को आप बिल्कुल जान करके मानिएगा कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि एक साथ देव शास गुरु तीनों मिल जाएं, तो आप स्क्रीन पर नंबरों में अपने कलशों की बुकिंग भी करा सकते हैं। आप यहाँ पर स्वयं आए, 15 से 20 हज़ार आदमी यहाँ पर आकर के अपने कलशों को सौभाग्य वर्धन करता है। और जिनके यहाँ अक्षय कारी बन्ना जी के, अजितनाथ भगवान जी के अक्षय साक्षात प्रकट हुए हैं, उनसे कभी पूछिएगा कि बन्ना जी गए वहाँ से क्या लेकर के आए। वे लोग आपको स्वयं बताएंगे कि बन्ना जी का अक्षय सिर्फ बन्ना जी का है, गुरुदेव के शब्द हैं, जो एक बार यहाँ पर आता है जीवन भर अजितनाथ भगवान से बंध जाता है, इसलिए इसका नाम ही बन्ना जी पड़ा है। आप सभी 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन अपने कलशों की स्थापना के लिए अपना मन बनाइएगा, आने का काम अपना खुद विचारना करिएगा। पूर्व नियोजित सारे कार्यक्रम होते हैं बंधुओं, क्योंकि क्षेत्र की दृष्टि से तो बहुत बड़ा है, लेकिन सुविधाओं की दृष्टि से कई बार बहुत सारे सामूहिक जनता एक साथ आती है तो छोटा पड़ जाता है। अपने अपने सौभाग्य को जगाने से पूर्व स्क्रीन पर दिखाई दिए गए नंबरों पर अपनी संदेश आने की संकेत दीजिएगा, जिससे क्षेत्र कमेटी को आपकी व्यवस्थाओं बनाने में थोड़ी अनुकूलता और हो पाएगी। अपने भाग को जगाएं। 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा कलश महोत्सव सर्वसिद्ध पूर्ण काम कलश रखने का एक और सुनहरा अवसर पूरी देश की जैन और अजैन सारी जनताओं के बीच में उपलब्ध रहेगा। मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। उसके बाद अगर गुरुदेव की आज्ञा मिली और कहीं और जाने का हुआ, तो मेरी अनुपस्थिति में भी यहाँ पर कलशों की स्थापना का कार्यक्रम महोत्सव निरंतर होते रहेंगे। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।